News 18, India. सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं और आज का शो कई मायनों में अलग इसलिए नोएडा में कि बहुत कम मुलाकात होती है सच्चे से अच्छे से ईमानदार से आदमी से। बहुत कीमती चीज होती है आज के समय में, मिल जाए तो समझ लीजिए आज आपका भाग्य बहुत अच्छा है। शंभू जी से मुलाकात हुई हम सब की और शंभू जी हम सारे लोग आपसे आज मतलब बहुत प्रसन्न है आज हम। हाँ जी, जब फर्स्ट कोविड आया था ना तो आप सर सब घर घर मिलने आए थे आप। अरे वो तो मेरा काम है, घर 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 जाना मेरा काम है, वो तो मेरी बात तो छोड़ दो, लेकिन मुझे आज आप सच में बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन आज का जो शो शुरू किया उसके दो मुद्दे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव को लेकर और दूसरा आज प्रभात ने एक मुद्दा उठाया हम सबके जहन में था। मेरे पास भी आज इन्विटेशन था कि तमाम सारे पत्रकार इकट्ठा हो रहे हैं आज संदेह खाली को लेकर पश्चिम बंगाल में, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार की खबरें हैं। यकीनन हम सबको जाना था, लेकिन मुझे इसलिए क्योंकि मेरा शो आजकल नोएडा में होता है, वहां पहुंचना मुश्किल है तो वहां से यहां नहीं आ पाता। और मुझे लगता है कि मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म है जो जिसमें बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग रख सकते हैं अपनी बात। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात कुछ कहना चाहते हैं, वेरी क्विक प्रभात, क्योंकि आम आदमी पार्टी को कुछ बात कहनी है। ये आज सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया बेहद अच्छा दिया। 36 वोट थे मात्र, उसमें से आपको लगा कि भाजपा ने बेईमानी की, तंत्र आपके साथ खड़ा हुआ, लोग आपके साथ खड़े हुए। लेकिन अब जो आप 96 करोड़ वोटों की बात कर रहे हैं, मराज 10 करोड़ से ज्यादा बूथ, करोड़ों की संख्या में लोग 36 वोटों में चोरी पकड़ी गई, आपको क्या लग रहा है करोड़ों की संख्या में जो मैकेनिज्म लगेगा तो चोरी पकड़ी नहीं जाएगी? ये आपको भी आईना दिखा रहा है कि आप जो बार बार ईवीएम का प्रलाप कर रहे हैं वो सत्य नहीं है, क्योंकि चोरी होगी तो पकड़ी जाएगी। इतना बड़ा सिस्टम इस तरीके से एक्सपोज ना हो संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, क्या बोल गया? हाँ जी, आपकी कॉपी कर लिया इसने। ना 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 बेटा, अपना रास्ता खुद बनाना, मेरे कॉपी पे कोई नहीं है असर नहीं होगा बेटा। जिन्होंने नकल करी वो औंधे मुंह गिर गए। नहीं नहीं नहीं, नकल नहीं करनी है बेटा, अपनी अपना रास्ता अपने आप बनाना है। वैसे ही रास्ता जैसे शंभू जी ने रास्ता अपना बनाया, खुद नहीं पढ़ पाए, पत्नी बीकॉम है, बहन को इन्होंने पढ़ाया, उसके बाद वो पुलिस सेवा में अपनी सेवाएं दे रही हैं विभाग में। शंभू जी की तरह का रास्ता बनाओ बेटा। ये थोड़ी ना कि मेरी कॉपी करना, मेरी कॉपी में क्या, मैंने क्या कौन सा ऐसा काम 30 मार कहां काम किया है, मैं क्या पिदी का पिदी का शोरबा है ना भाई। तो अपना रास्ता खुद बनाना, ठीक है ना, और दूसरे के रास्ते पे नहीं। ठीक है, चलना है तो भगवान राम के रास्ते पे चलो ना, ईमानदारी वाले रास्ते पे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वही है सबको दिखाने वाला। जी,